सेवलों इतिहास बदल रहा है। दोस्तों, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में इतिहास बदलने वाला है। जी हाँ, जुलाई में वह सब होने वाला है। धनु राशि वालों, बस आपकी आंखों के बीच में जो भ्रम की धूल जमी हुई है उसे निकालने के लिए, आपकी नजरों में नकारात्मक की दीवारों को तोड़ने के लिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी से अवगत कराने के लिए आया हूँ जिसे जानकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम भी उठेंगे। क्योंकि धनु राशि वालों, आपके राशि स्वामी गुरु सुख भाव व देह भाव के लोड होकर पराक्रम भाव में स्थित है, जो नौकरी उच्च पद प्रदान करने वाले है। तो दूसरी ओर मंगल स्वयं विद्या भाव एवं विदेश भाव के लोड होकर भाग्य भाव में स्थित है, जो धन दौलत पैसे प्रदान करने वाले है। बुध भी प्रणय भाव एवं कर्म भाव के लोड होकर आकस्मिक धन लाभ के भाव में स्थित है, जो एक उत्तम प्रकार के सुख की ओर इशारा कर रहे है। तो वही शुक्र जय भाव व आय भाव के लोड होकर व्यापार भाव में स्थित है, जो भौतिक सुख प्रदान करने वाला है। इस गोचर के आधार पर कैसा रहेगा जुलाई 2021, कैसे किस तरह से मिलेंगे मौके, कितना लाभ ले पाएंगे, आइए जानते हैं। धनु राशि फल 2021 के अनुसार जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जी हाँ, एक ओर करियर में आप अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे तो दूसरी ओर आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। स्वास्थ्य को लेकर लाभ प्राप्त होगा तो दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। विशेषकर जो नौकरी पेशा और कारोबारी है वह सभी अपने मन मुताबिक सफलता अर्जित कर पाएंगे। जी हाँ, धन प्राप्त करने की सही दिशा में आपके प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। करियर की दृष्टि से जुलाई का महीना आपके लिए शुभ है। विशेषकर जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं उन्हें इस समय लाभ के योग बनेंगे। यदि कार्य विस्तार की पूरी योजना फिर एक बार शुरू करने के बारे में सोच रहे तो यकीनन ग्रहों की स्थिति आपको मदद करेगी। आपकी पुरानी योजना, बंद पड़ी योजना फिर से शुरू होने के योग बन रहे हैं, जिससे आप लिख कर ले सकते हैं कि इस महीने में धन की आवक निरंतर बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आपने पिछले समय में पैसा खोया है तो निश्चित तौर पर वह वापस लौट के आ सकता है, यानी कि रुका हुआ पैसा मिलेगा, फंसा हुआ भी पैसा आपको मिल सकता है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और उसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। 9 जुलाई के बाद जहां एक ओर पिता से संपत्ति प्राप्त हो सकती है तो दूसरी ओर नौकरी करते हुए धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए धन आगमन के नए द्वार खुलने वाले है। जहाँ जुलाई में खर्चे कम होने पर आप धन संचय करने में सफल रहेंगे तो जहाँ शुक्र आपको गाड़ी, मकान एवं भौतिक चीजों जैसी बड़ी खरीदी भी करवा सकता है, तो दूसरी ओर धनु राशि के जो जातक नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, जिन्होंने हाल ही में काम छोड़ा है या फिर निकाला गया है या फिर काम के बोझ के चलते खुद ने ही रिजाइन दे दिया है, उन्हें जुलाई महीने में कार्य करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। जी हाँ, इस समय आपको नौकरी प्राप्त होगी और वह नौकरी लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी भी होगी, जहाँ पर न केवल आप कार्य कर पाएंगे किंतु आपकी योग्यता एवं चतुराई के चलते खुद को साबित भी कर सकेंगे और उसका भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, वही 14 जुलाई के बाद आपको आकस्मिक धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय शनि ग्रह आपको मालामाल भी कर सकते हैं, चाहे शेयर बाजार में निवेश के चलते मिले या फिर पुरानी प्रॉपर्टी बिकने के कारण मिले या फिर टेबल के नीचे से होने वाली कमाई के रूप में मिले, आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। खासकर वह व्यापारी जातक जो कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उनकी समस्याओं का अंत होगा। इस दौरान भरपूर तरक्की और धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। जी हाँ, चीजों की मांग बढ़ने से और कोविड-19 का असर न्यूनतम हो जाने से आपके व्यापार में आमदनी डबल होगी। खासकर जो आयात निर्यात, कपड़ा उद्योग, तरल पदार्थ, कृषि क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खेल जगत एवं टूरिज्म से जुड़े हुए है, वह धन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। तो वही फिल्म उद्योग व करियर में कुछ उतार चढ़ाव के बाद आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। खासतौर पर भाग्य भाव के लोड होकर सूर्य आकस्मिक धन लाभ के भाव में बुधादित्य योग बना रहे है, जो आपको अकल्पनीय धन दिलाएगा, नए रास्ते प्राप्त करवाएगा। तो वही जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, उस स्थिति के चलते सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थी जातकों को मिलेगा, जो दूर प्रदेश, शहर या राज्य, विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते है। जी हाँ, इस समय आपके सपने सच होंगे, प्रतियोगी परीक्षा एवं जॉब इंटरव्यू के परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। दोस्तों, यदि कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति बन रही होती है तो सरल से सरल कार्य मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं।
जहां एक ओर नौकरी पेशा एवं व्यापारी जातक दोनों को ही अपार धन लाभ मिलेगा, तो दूसरी ओर इस समय आपको बड़ा पद भी मिलेगा। जी हां, इस समय पदोन्नति एवं प्रमोशन के जबरदस्त योग बन रहे हैं। यदि आपके कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो याद रखिए कि जुलाई में उनकी एक नहीं चलने वाले, यानी कि आप दुश्मनों और विरोधियों को परास्त करने में सफल रहेंगे, तो वही इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी जगह छुट्टी पर जाने में भी सफल रहेंगे। निश्चित तौर पर यह समय में पारिवारिक शांति, भाईचारा और खुशहाली मिलेगी। आपको अपने प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण अवसरों की प्राप्ति होगी। तो वही रोमांस का एक हल्का सा झोंका जुलाई में आपको प्रेम से तरबतर कर देगा और सच्चे प्रेम की तलाश भी पूर्ण हो सकती है और नए संबंध के भी योग बन रहे हैं। किंतु साथ में इस गोचर में आपको गुस्से पर नियंत्रण रखने एवं स्वास्थ्य, खानपान को लेकर, धन के निवेश को लेकर परहेज करने की जरूरत रहेगी, वरना किसी बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। जय गुरुदत्त।